2023 में एक से बढ़कर एक सीरीज रिलीज हुई है जिन्हें देखने के बाद अब अपनी दुनिया भुला के इन सीरीज की दुनिया में चले जाओगे। इसलिए आज मैं आपको 5 एकदम कमाल की न्यू सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ जो कि 2023 में रिलीज हुई है। हर एक सीरीज लिस्ट में अपनी यूनिक स्टोरी लाइन के लिए दुनिया भर में फेमस है और इन्हें देखने के बाद आप इन्हें जिंदगी भर याद रखोगे। तो अगर आप भी मेरी तरह दुनिया से एकदम अलग सीरीज और मूवीज देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पे है द नाइट एजेंट। एक FBI एजेंट एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी में फंस जाता है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गवर्नमेंट की बातों को लीक करते हैं। तो अब वो कैसे उस ट्रेटर को ढूंढता है और कैसे अपने नेशन को सेव करता है इस कॉन्स्पिरेसी से, ये देखने में आपको बहुत मजा आएगा। सीरीज ने हर एक चीज बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से दिखाई है, कहीं पे भी आपको ऐसा कोई सीन नहीं दिखेगा जो इलॉजिकल हो। हमारे हीरो ने जो FBI एजेंट के कैरेक्टर को बिल्कुल पानी में घोल के पी लिया है वो आपको कहीं पे भी बोर नहीं होने देगा। इस सीरीज का कॉन्सेप्ट और स्टोरी लाइन मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। हर एक चीज बिल्कुल डिटेल में दिखाई है, बस कभी कभी बहुत सारी चीजें कंफ्यूजिंग लगती है और कुछ एक्ट्रेस की एक्टिंग भी बिल्कुल बेकार है। पर अगर आप पॉलिटिकल थ्रिलर सीरीज के फैन हो तो ये सीरीज 1 सीजन के साथ नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। अगर आप पोस्ट एपोकैलिप्टिक सीरीज के फैन और कुछ नया देखना चाहते हो तो नंबर 4 की सीरीज द लास्ट ऑफ अस आपके लिए मस्ट वॉच है। दुनिया भर में एक वायरस फैल जाता है जिसकी वजह से लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं और पूरी दुनिया बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। स्टोरी वायरस फैलने के 20 साल के बाद की है जिसमें जॉन नाम के सर्वाइवर को एक एली नाम की टीनेज गर्ल को यूनाइटेड स्टेट्स में लाने का टास्क दिया जाता है। अब इस टीनेज गर्ल में ऐसा क्या है और इसे क्यों लाने को कहा गया है ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। सीरीज ने पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड को बहुत ही ज्यादा अच्छे से दिखाया है और हर एक चीज बिल्कुल रियल लगती है। इसमें आपको ज्यादा ज़ॉम्बी चेजिंग सीन्स तो नहीं देखने को मिलेंगे, पर एक्चुअल में सर्वाइवल किसे कहते हैं ये सीरीज ने बहुत ज्यादा अच्छे से जस्टिफाई किया है। तो अगर कोई नई पोस्ट एपोकैलिप्टिक सीरीज की तलाश में हो तो 1 सीजन के साथ ये सीरीज जियो सिनेमा पर फ्री में हिंदी में अवेलेबल है। अगर आपको ऐसी सीरीज पसंद है जिसमें फैंटेसी और मैजिकल दुनिया हो तो नंबर 3 की शैडो एंड बोन आपके लिए मस्ट वॉच है। ये सीरीज 2021 में रिलीज हुई थी और अभी 2023 में इसका सेकंड सीजन रिलीज हुआ है जो सीजन 1 से भी कमाल का है। सीरीज की स्टोरी एलिना स्टारकोव के अराउंड रिवॉल्व करती है जिसे पता चलता है कि उसके पास मैजिकल पावर हैं। इन मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करके वो अपनी दुनिया को बचा सकती है, पर क्या वो ऐसा कर पाएगी ये आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। इस सीरीज को देख के आप अपनी नॉर्मल दुनिया को छोड़ के फैंटेसी की दुनिया में चले जाओगे। हर एक कैरेक्टर की स्टोरी इस सीरीज ने बहुत अच्छे से दिखाई और आप इन सबसे एकदम कनेक्ट हो जाओगे। सीरीज में माइंड ब्लोइंग सिनेमेटोग्राफी का यूज किया है और फैंटेसी वर्ल्ड को भी बहुत ज्यादा अच्छे से दिखाया है। तो अगर फैंटेसी वर्ल्ड में जाना चाहते हो तो 2 सीजन के साथ ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 की सीरीज देखने के बाद आप भी मेरी तरह प्रियंका चोपड़ा जोनस के फैन बन जाओगे अगर नहीं हो तो। सिर्फ 6 एपिसोड्स के साथ सिटाडेल, अभी तक इसके 3 ही एपिसोड्स रिलीज हुए हैं और इसका लास्ट एपिसोड 26 मई को रिलीज होगा। एक स्पाई एजेंसी सिटाडेल जो किसी कारण से बंद हो जाती है और उसके सारे एजेंट्स की मेमोरी को इरेज कर दिया जाता है, पर किसी कारण की वजह से इस एजेंसी को वापस स्टार्ट किया जाता है और एजेंट्स को उनकी मेमोरी वापस याद कराई जाती है। ये सीरीज $300 मिलियन के बजट में बनी और ये दुनिया भर में सबसे एक्सपेंसिव टेलीविजन सीरीज है। इस सीरीज के शुरू के 3 ही एपिसोड इतने ज्यादा इंगेजिंग है कि आपको पूरी तरह से हुक कर लेंगे। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस सीरीज को 26 मई के बाद ही स्टार्ट करें ताकि आपको इसके आगे के एपिसोड के लिए वेट ना करना पड़े। अगर स्पाई थ्रिलर टाइप की कोई माइंड ब्लोइंग सीरीज देखना चाहते हो तो 1 सीजन के साथ सिटाडेल अमेज़न प्राइम पे हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 1 की सीरीज इतनी ज्यादा इमोशनल और हार्ट वार्मिंग है कि आपको इसे देखने के बाद इससे प्यार ही हो जाएगा। स्टोरी एक 10-year-old बॉय कस जो कि हाफ ह्यूमन और हाफ एनिमल होता है उसी की जर्नी के अराउंड रिवॉल्व करती है। इसमें आपको पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड भी देखने को मिलेगा और कैसे एक वायरस की वजह से पूरी दुनिया बर्बाद हो जाती है सीरीज ने बहुत अच्छे से दिखाया है। इस सीरीज में बहुत सारी मिस्ट्रीज भी है जो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगी। ये सीरीज बहुत ही ज्यादा रियल और हर एक चीज बिल्कुल नेचुरल तरीके से दिखाई गई है। मुझे सीरीज के सिनेमेटोग्राफी और जो फिक्शन वर्ल्ड इसने बहुत ही ज्यादा अच्छे से दिखाया है वो बहुत अच्छा लगा। आप गस के कैरेक्टर से इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाओगे कि आपको लगेगा कि आप ही की जर्नी है ये। तो अगर दिल को छू जाने वाली किसी सीरीज की तलाश में हो तो 2 सीजन के साथ स्वीट टूथ नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो ये थी मेरी टॉप 5 बेस्ट न्यू सीरीज जो कि 2023 में रिलीज हुई है। और अगर आपको मेरी ये रिकमेंडेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली माइंड ब्लोइंग मूवीज और सीरीज की रिकमेंडेशन के साथ।